इस वक्त की अहम खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी के इलाका अजमाबाद से एक नौजवान 22 तारीख की सुबह 10 बजे घर से लापता हो गया है। मैं आपको बता दूं कि सज्जाद अहमद सना मोहम्मद लतीफ आरो अजमाबाद ये 22 तारीख की सुबह 10 बजे घर से निकला था, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर उनके घर वाले काफ़ी परेशान देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सज्जाद अहमद, जिसका बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, दिमाग में उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो घर से बाहर ही रहा करता था। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, घर वाले उसका इलाज भी कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख की सुबह 10 बजे वो घर से खाना खा के निकला था, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं पहुंचा है। इसी मामले को लेकर एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन मंडी में भी दर्ज करवा लिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आप बखूबी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये सज्जाद अहमद की तस्वीर है। अगर आपको कहीं भी ये दिखे, आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता कर सके, ताकि सज्जाद अहमद अपने घर वालों को वापस मिल सके। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि स्क्रीन पर आप बखूबी तस्वीर देख सकते हैं, यह तस्वीर सज्जाद अहमद वल्द मोहम्मद लतीफ़ की है, अजमाबाद का रहने वाला है। अगर कहीं भी किसी को ये दिखता है तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें, ताकि अपने घर वालों को वापस मिल सके। नाज़रीन, अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी इनके परिवार से बात हुई, इनके परिवार का कहना है कि 22 तारीख की सुबह 10 बजे ये घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया, इसका दिमागी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से घर से बाहर ही रहता था। अगर किसी को ये दिखता है तो ज़रूर इनके घर वालों के साथ रब्ता करें, ज़रूर हम इनके घर वालों का नंबर स्क्रीन पर और कैप्शन में डाल देंगे। आप बने रहे न्यूज़ 19 उर्दू के साथ, दीजिए इजाज़त, तारक शेख को खुदा हाफिज़।